हेलो एवरीवन गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, और गाइस वो है परमिशन इन लिनक्स। तो उससे पहले बात हमारी होती है विंडोज़ के ऊपर। विंडोज़ में आपके चार टाइप के परमिशन एक्स वहाँ पे होती हैं। ये जो आपकी फर्स्ट होती है, ये हमारी होती है रीड। इससे आप किसी भी चीज़ को सिर्फ ओनली पढ़ पाएंगे बस, और राइट ऑप्शन में आप उसमें पढ़ भी पाएंगे और आप उसमें लिख भी पाएंगे। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट शब्द का अर्थ होता है कि जैसे कि कोई भी अगर आपका सॉफ्टवेयर होता है तो उसकी अपनी एक सेटअप फाइल होती है। सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करते ही जो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है ना गाइस, इट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अगला होता है फुल कंट्रोल। इस पर अगर आपका क्लिक होगा तो ये तीनों आपको मिल जाएंगी। अब आते हैं बात लिनक्स में। रीड पे इसका सेम काम होता है जो काम हमारा विंडोज़ पर होता है, राइट पर भी सेम काम होगा और एग्जीक्यूट पर भी सेम काम होगा। यहाँ पर ये जो फोर्थ है, इट इज़ कॉल्ड नो परमिशन। इट मीन कि ये तीनों हट जाएंगे। इसमें आपकी तीनों आई थी और इसमें तीनों आपकी जाएंगी, ठीक है। अब लिनक्स में परमिशन देने के दो तरीके होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल और एक होता है सिंबॉलिक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल को और फिर हम लोग आएंगे सिंबॉलिक के ऊपर, ठीक है। ओके, तो ये जो आपका रीड ऑप्शन होता है, ये आपका इंडिकेट होता है आर से, ठीक है। और न्यूमेरिकल में इट इज़ कॉल्ड फोर नंबर, और ये आपका फिक्स है। राइट को हमारा इंडिकेशन होता है डब्ल्यू से, और ये इंडिकेट होता है टू से। एग्जीक्यूट जो होता है, ये इंडिकेट होता है एक्स से, और ये इंडिकेट होता है वन से, और ये आपका इंडिकेट होता है हाइफन से। ओके, अगर आपका हाइफन होगा तो इट मीन कि वो परमिशन इसमें हटी हुई होगी। और ये हमारा इंडिकेट होता है ज़ीरो से। अब सबसे पहले परमिशन कैसे हम लोग देखते हैं, तो देखिए हम इस पर आए, और इसके लिए एक कमांड होती है ls स्पेस हाइफन l। इस कमांड से जो आउटपुट आया है वो एक कमांड और भी होती है ll। इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग लिस्टिंग। इससे मैं भी आपका सेम आउटपुट ही आएगा। अभी हमारी पढ़ाई हो रही है इस ऑप्शन के ऊपर। जैसे मैं इस ऑप्शन को सिर्फ कॉपी एंड आई जस्ट पेस्ट, फिर हम लोग इसको डीपली से अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये जो सामने ऑप्शन आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग ताकि हमें अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से हो पाए। और ये हमारा डी स्मॉल में था। ओके, सबसे पहले आते हैं इस ऑप्शन पर। ये जो फर्स्ट ऑप्शन होता है, इसमें इसकी जगह पे आपका हाइफन भी आएगा, हाइफन डी भी आएगा, आपका एल भी आएगा, बी भी आता है और सी भी आएगा। यहाँ पर ये आपके पांच ऑप्शन आते हैं। ये जो साइन होता है, इससे इंडिकेट होता है कि ये हमारी कोई फाइल है, और ये जो हमारा डी है, इससे इंडिकेट होता है कि ये कोई फोल्डर, इट मीन कि ये एक हमारी डायरेक्टरी है। जो एल होता है, इससे शो होता है कि ये लिंक होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि एक था हमारा हार्ड लिंक और एक था हमारा सॉफ्ट लिंक, तो ये आपका उसी चीज़ से इंडिकेट होता है। अगला होता है ब्लॉक, बी फॉर मतलब होता है ब्लॉक डिवाइसेस, और सी का मतलब होता है कैरेक्टर डिवाइसेस। देखिए, ब्लॉक डिवाइस जो होता है, इनका काम होता है कि ये उन्हीं चीज़ों के सामने आएंगे कि जो आपके डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, तो ये उसके आगे आते हैं। और ये उनका काम होता है कि
जिस पे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो ये अभी इनको हम लोग, ये जो बी और ये जो सी है, इसको अभी हम लोग आगे अपकमिंग वीडियोस में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग इन दो ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन से इंडिकेट होता है कि ये ये आपकी फाइल है कि आपकी डायरेक्टरी है। देखिए ये जो है ये आपकी डायरेक्टरी है, ये सब, और ये आपकी फाइल है, ठीक है जी। तो ये पहला आपका हो गया। अब आते हैं इस पर। उससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यूज़र्स हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है रूट, एक होता है जो आपका स्टैंडर्ड या नॉन प्रिविलेज यूज़र होता है, और एक होता है आपका सिस्टम यूज़र। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो ये जो यहाँ पे रूट होता है, इट इंडिकेट यू, यू मतलब होता है यूज़र, जो हमारा स्टैंडर्ड है, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं जी से। जी का मतलब होता है ग्रुप से, और ये होता है आपका ओ। ओ का अर्थ ओ का अर्थ होता है आपका अदर, यूज़र, ग्रुप एंड अदर, ओके। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने आउटपुट आया है, ये जो आया हुआ है यहाँ पर, ये जो है ये परमिशन आपकी रूट के लिए है, ये आपकी नॉन प्रिविलेज इट मीन कि स्टैंडर्ड यूज़र के लिए है ये वाली आपकी, और ये जो आखिरी में है ये आपके लिए होती है, ये आपके सिस्टम यूज़र के लिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमेशा R W X ही आएगा। अगर आप कहें कि आपका X ऐसे आ जाए X R W, तो ऐसे कभी नहीं आएगा, हमेशा आपका R W X से ही शो होगा, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो है, क्योंकि अभी हमारी बात हो रही है न्यूमेरिकल के लिए, तो देखिए जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो R है वो 4 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 1 होगा। तो ये जो R, तो ये मतलब कि 4 प्लस 2 प्लस 1, इट मीन कि ये अभी टोटल हमारा 7 है। ऐसे ही अगर हमारे सामने आता है ऐसे R W और -1, तो ये आपका इंडिकेट होता है 4 से 2 और प्लस 0, है ना जी। तो ये हमारा होता है 6। ऐसे ही आपके ये अलग अलग ऑप्शन, जैसे कि एक और हम लोग एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर सामने अगर आपके ऐसे आता है, यानी 4 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, ये आपका हो गया 5। ऐसे ही ये आपका हमेशा काउंटिंग होगा, ठीक है जी। तो हमेशा आउटपुट आपका ऐसे ही होगा। और ऐसे ही अगर मैं आता हूँ कि मैंने कहा R हाइफन हाइफन, तब उस केस में ये होगा 4 प्लस 0 प्लस 0, मतलब कि ये आपका 4 होगा। और ऐसे ही अगर आपका आता है हाइफन डब्लू एक्स, तो ये आपका होगा 0 प्लस 2 प्लस 1, इट मीन कि ये आपका हो गया 3। तो ये हमारा होगा। और ऐसे ही अगर मैं अगले में आता हूँ, तो अगले में जैसे कि हाइफन डब्लू हाइफन, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 0 प्लस 2 प्लस 0, और ये हमारा 2 आ जाएगा। और ऐसे ही जो हमारा आखिरी है वो होगा हाइफन हाइफन एक्स, इट मीन कि 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस और 1, इट मीन कि ये 1 आएगा। तो आई होप कि ये अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब अगर आप चाहते हैं, अब जैसे अगर हम लोग इस ऑप्शन पे आते हैं, तो देखिए इसमें जो हमारी ये जो है ये हमारा 7 होगा, और ये हमारा 5 है, और ये भी हमारा 5 है ना जी। अब आप चाहते हैं कि अब ये आपका चेंज हो जाए, ये जो यहाँ पर ऐसे आ रहा है वो आ जाए R W हाइफन
और आर हाइफन हाइफन और हाइफन हाइफन डब्ल्यू। तो इसके लिए इफ आई चेंज इट, अब ये अगर हमारा न्यूमेरिकल में चेंज होता है तो ये हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा, एक गलती हमसे हुई है क्योंकि आखिरी में हमेशा एक्स आता है, ये आखिरी में आएगा आपका 1। ये अभी आपका है और अगर आपको चेंज करके अगर जैसे 6 4 1 में करना है तो आपकी कमांड ऐसे होगी। हम इस पर आएंगे, हमने कहा कि ये चीज़ अभी आपके फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक डायरेक्टरी है AA नाम से, ओके इफ़ आई डू LL तो देखिए AA पर ये है अभी आपका RWX और अभी आपका चेंज हो जाए तो कमांड होती है CHMOD, इट मीन चेंज मॉडिफिकेशन। अब हमने कहा कि जो फाइल के हिसाब से था हमारा 641, हमने कहा जी 641 और ये किसके ऊपर अप्लाई हो, हमने कहा जी AA के ऊपर, तो ये अगर अप्लाई हुआ होगा तो LL पे जाकर देखिए ये चेंज हो गया, हुआ ना जी चेंज। तो ऐसे ही अगर हमने कहा CHMOD 001 और किस पे अप्लाई हो जाए AA पर, तो अगर ये चेंज हुआ होगा तो देखिए ये पहले ये आ रहा था अब ये चेंज हुआ। तो गाइस न्यूमेरिकल में ये हमेशा ऐसे ही चेंज होगा। अब हम लोग आते हैं सिंबॉलिक के ऊपर, सिंबॉलिक में काम हमारा UGO के हिसाब से होता है। देखिए जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो A है ये जो 3 होंगी ये आपकी G होंगी, है ना जी, क्योंकि ये स्टार्टिंग की 3 हमारी रूट के लिए इट मीन की U के लिए होती हैं, अगली हमारी स्टैंडर्ड इट मीन की ग्रुप के लिए होंगी और जो आखिरी की 3 हैं वो हमारे सिस्टम इट मीन की आपके अदर के लिए होंगी। हमने कहा जी कि सिर्फ ओनली स्टैंडर्ड पर ये जो हमारा ग्रुप है इस पर राइट की परमिशन अप्लाई हो जाए, तब ये काम सिंबॉलिक से कैसे होगा, कमांड हमारी सेम होगी CHMOD बट अब इसमें आ जाएगा जी, मतलब कि हमें सिर्फ इसी में चेंजमेंट करना होगा और प्लस से वो परमिशन इसमें अप्लाई हो जाएगी और माइनस से हट जाएगी। हमने कहा जी W और AA, ये देखिए LL से ये हुआ चेंज, ये देखिए आया ना, और अगर हमें इसे हटाना होगा तो मैं प्लस को जाकर सिर्फ मैंने किया जाकर माइनस, तो ये हट गया होगा, देखिए प्रूफ। अब ऐसे ही अगर हमने कहा जाकर CHMOD जो हमारा यूज़र है उसके लिए आई जस्ट प्लस रीड एंड राइट, ओके, और यहाँ पर जो हमारे अदर हैं उनको अप्लाई हो जाए रीड की, और जो हमारा ग्रुप का है उसको अप्लाई हो जाए रीड की ग्रुप जी प्लस आर, और जो हमारा अदर है उसको अप्लाई हो जाए सिर्फ रीड एंड राइट, ठीक है, और किस में AA पर, कमांड अगर हुई होगी तो देखिए ये रहा। अच्छा न्यूमेरिकल में क्या था कि आपको तीनों एक साथ में ही आते थे और इसमें अगर आप चाहो तो एक पर ही आपकी कमांड बहुत आराम से अप्लाई हो जाएगी। तो गाइस ऐसे ये UGO का काम ऐसे होता है हमारा, और अगर आपको उनको हटाना है तो हमने कहा कि जो हमारा U है उसमें से हट जाए राइट की परमिशन और किससे AA से, लेट्स सी द प्रूफ, ये देखिए हुआ ना चेंज। तो सिंबॉलिक का काम हमारा ऐसे होगा। तो अगर हम बात करें कि न्यूमेरिकल अच्छा है कि सिंबॉलिक अच्छा है तो दोनों ही अपने अपने प्लेस पर अच्छे हैं, बट अगर हम कहें कि सिंबॉलिक में ज़्यादा ऑप्शंस हैं क्योंकि उसमें आप एक पर ही आपका चेंजमेंट बहुत आराम से अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप कि मैं इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा। तो ये हमारा परमिशन पर वीडियो एंड हुआ
और आखिरी में गाइस, दिस इज़ माय चैनल बी एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजीज। आपको यूट्यूब पे आना है एंड जस्ट सर्च हेयर एंड जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब ऑप्शन एंड बेल आइकन, क्योंकि मैंने इस पर लिनक्स के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, एथिकल हैकिंग, CCNA, CCNP पर बहुत एकदम स्टार्टिंग से और बहुत एडवांस तक वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो गाइस जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।